दोस्तों बिहार चुनाव में एनडीए ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। उसके साथ साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि वहां के उप मुख्यमंत्री दो लोग होंगे। आपको बता दें कि उसमें से पहले आते हैं तारकिशोर प्रसाद और दूसरे पे आती है रेणु देवी। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं रेणु देवी कौन है, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला होने वाली है। आपको बता दें कि रेणु देवी दुर्गा वाहिनी से राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाली बीजेपी विधायक रेणु देवी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद तक रही। अति पिछड़ा समुदाय की नोनिया जाति से आने वाली रेणु देवी का जन्म 1 नवंबर 1959 को हुआ था और बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई थी। साल 1981 में रेणु देवी का सामाजिक जीवन में पदार्पण हुआ। चंपारण और उत्तर बिहार को कार्य क्षेत्र बनाकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के हक की लड़ाई शुरू की और साल 1988 में बीजेपी की दुर्गा वाहिनी की जिला संयोजक भी बन गई। आपको हम बता दें कि साल 1989 में बीजेपी महिला मोर्चा की चंपारण क्षेत्र की अध्यक्ष भी चुनी गई थी और रेणु देवी को 1990 में तिरहुत प्रमंडल में महिला मोर्चा का प्रभारी भी बनाया गया और 1991 में प्रदेश महिला मोर्चा की महामंत्री भी बनी थी। वे 1992 में जम्मू कश्मीर तिरंगा यात्रा में भी शामिल हुई थी और 1993 में बीजेपी बिहार प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी चुनी गई थी। 1996 में फिर महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी और 2014 में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली और साल 1995 के चुनाव में पहली बार नौनत विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार भी बनाया लेकिन जीत नहीं पाई। आपको बता दें कि साल 2000 में बेतिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने टिकट तो दिया और करीब 10,000 मतों से जीतकर पहली बार विधायक चुनी गई और इसके बाद 2005 में फरवरी और अक्टूबर चुनाव में फिर बेतिया से जीतकर विधानसभा पहुंची और 2007 में बिहार सरकार में कला एवं संस्कृति मंत्री बनी और 2010 चुनाव में बेतिया से जीत हासिल की लेकिन 2015 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के हाथों मात खानी पड़ी। हालांकि 2020 में एक बार फिर बेतिया सीट से ही जीत दर्ज की और विधानसभा पहुंची तो पार्टी ने उन्हें विधायक दल का उपनेता चुना और डिप्टी सीएम की रेस में वो आगे थी और आज आपको बता दें कि वो पहली बिहार की महिला है जो कि डिप्टी सीएम बनी बिहार की। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।